हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन मॉम फॉर एवर पर। आज हम करने वाले हैं अमेज़ॉन का ये ग्रॉसरी हॉल, साथ ही साथ हम करेंगे थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग। और यहाँ पर हम ये जो बॉक्सेस हैं जो देख रहे हैं, ये एक साथ मैंने बहुत सारा सामान मंगा लिया है। और यहाँ पर क्या क्या है इन बॉक्सेस में वो हम देखेंगे। एप्पल साइडर विनेगर है, कॉर्नफ्लेक्स है, कुछ चिली हैं, मसाले हैं, शुगर है, ओट्स हैं, दालें हैं, पास्ता है, धनिया, मिर्च, चाय, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे। मंथली जो हमारी ग्रॉसरी ख़त्म हो जाती है, तो अब की बारी काफ़ी सारे आइटम ख़त्म हो रहे थे और मैंने यहाँ पर सारे के सारे एक साथ ऑर्डर किए। तो ये इस तरीके से बहुत ही अच्छे पैक करके अमेज़ॉन की तरफ से मुझे मिला। बहुत अच्छे डिस्काउंटेड ऑफर्स में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। और यहाँ पर हनी है, साथ में यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंने ऑयल मंगाया है जो कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। और इन सब जो भी प्रोडक्ट्स का लिंक है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूँगी, अगर आप ख़रीदना चाहें तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये 24 मंत्रा का ऑर्गेनिक पीनट ऑयल ट्राई किया पहली बार, तेज पत्ता है, काफ़ी सारे मसाले हैं। और यहाँ पर फ्लैक्स सीड्स और कुछ सीड्स मैंने मंगाए हैं, पम्पकिन सीड्स, दालें हैं, मैगी है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये काजल भी मंगाया है, काजल ख़त्म हो गया था। और हिना है, और यहाँ पर ये गुलाब जल है, कुछ बाथरूम के टॉयलेट्री प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से हमारा जो ग्रॉसरी हॉल है वो कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग और साथ में अरेंज करेंगे इन सारे सामानों को किचन में। तो सबसे पहले जो क्लीनिंग करने से पहले मैं कर रही हूँ, ये सारे बर्तन जो मैंने साफ़ करके रखे थे वो सारे मैं वापस अरेंज कर देती हूँ। ये एक्चुअली दोपहर का वक्त है और खाना वगैरह मैंने बना लिया है, सारा किचन का जो काम होता है रोज़मर्रा का वो मैं कर चुकी हूँ। अब बस हम दोपहर के वक्त में यहाँ पर किचन की जो सफाई है, थोड़ा अरेंजमेंट्स हैं वो हम करने वाले हैं। बहुत दिन हो गए थे, ओपन शेल्स होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी चिकनाई वगैरह जमा हो जाती है। तो किचन को हम क्लीन करने की काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, और चूँकि त्यौहार आने वाले हैं तो अभी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। और मौसम भी काफ़ी अभी बदला हुआ है, थोड़ी ठंडक है, तो अच्छा लगा कि एक बारी हम अपने किचन को एक फ्रेश लुक दे दें और क्लीन कर लें। जो सामान एक्सपायर हो गए हैं उनको हटाना, और जो भी नए सामान हैं उनको अच्छे से पैक करके रखना। तो यहाँ पर हम अपने सारे जो ये डिब्बे हैं इनको अच्छे से मैंने पहले सोप लगा लिया है, चारों तरफ बंद हैं, एयर टाइट डब्बे हैं तो अंदर पानी नहीं जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इस तरीके से हम सामान को बिना निकाले भी मैंने इनको वॉश कर लिया है। और ध्यान रखा है कि मैं इसको स्टैंडिंग पोजीशन में ही रखूं, और इस तरीके से एक एक करके मैंने सारी शेल्फ जो है वो खाली कर ली है और इनको अच्छे से क्लीन करके और सूखने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे सामान हैं, तो इसमें से जो भी चीज़ें क्लीन हो सकती हैं पानी से वो हम पानी से क्लीन कर रहे हैं। और जो नई पानी से क्लीन होने के डिब्बे हैं, जैसे कई ऐसे कागज़ की पैकेजिंग है, जैसे अभी किया का पिज़्ज़ा चिली वाला डिब्बा देख रहे हैं, तो इनको हम जस्ट ऐसे ही वाइप करके रख रहे हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम वेजीज़ को वॉश करने के लिए, यहाँ पे मैंने वेजी वॉश ये ग्रीन कलर का जो है ये मंगाया था, प्योर कल्ट की तरफ से है और बहुत अच्छा है, लेमन फ्रेग्रेंस के अंदर है। और बहुत अच्छे से सारी वेजिटेबल्स जो हमारी वीकली ग्रोथ हम वेजिटेबल्स मंगाते हैं उनको अच्छे से इससे क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे डिब्बे थे और बहुत सारे मसाले हैं। खाना बनाने का जो काम है वो हम बहुत सीरियसली लेते हैं, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए उस वक्त। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं
यहाँ पर हमने सब के सब डिब्बे अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। अब हम इनको वाइप कर लेते हैं ताकि जल्दी से सूख जाएं, और चेक भी मैं करती जा रही हूँ, पानी तो अंदर नहीं चला गया है और अभी तक इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है। इसी प्रोसेस से मैं क्लीन करती हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान रखें स्टील के डब्बे हैं तो उनको इस तरीके से क्लीन ना करें, क्योंकि उनके अंदर पानी चला जाता है, उनको हमेशा खाली करना रहता है और खाली करने के बाद ही उनको फिर वॉश करना रहता है। लेकिन यहाँ पर मुझे कांच के डब्बे बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छे भी लगते हैं, सामने सामान दिखता रहता है। तो मैं धीरे धीरे अपने किचन को शिफ्ट कर रही हूँ कि मैं ओनली स्टील के डिब्बे या कांच के डिब्बे ही यूज़ करूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे जो डिब्बे आते हैं सामान के साथ में, मोस्टली हनी के साथ में जो डिब्बे आते हैं वो मैंने यूज़ करके अपने किचन में इस तरीके से अरेंज किया है। ऊपर का जो शेल्फ है उसको क्लीन करने के बाद में हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं सारे के सारे डिब्बों को, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो स्पेस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। साथ ही साथ सेग्रीगेशन अलग अलग है, जो भी मसाले हैं जो हमारे कभी कभी हम उनको खाली कर लेते हैं अपने मसाले का, जो मेरे पास एक मसाला दान है तो उसमें मैं डाल लेती हूँ, अदरवाइज़ जो ये डिब्बे हैं इस तरीके से पीछे की तरफ रखे होते हैं। और जो भी फ्रीक्वेंटली यूज़ के डिब्बे हैं, नमक हो गया, चाय चीनी हो गई, अचार हो गया, तो ये सारे डिब्बे आगे की तरफ रहते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले नींबू का अचार बनाया था, बहुत ही सिंपल अचार की रेसिपी है। जस्ट नींबू को काली मिर्च, सेंधा नमक और कुछ मसालों के साथ में डाल करके रखना होता है, और थोड़े दिन बाद में ये तैयार हो जाता है। आप इसमें थोड़ा शुगर भी डाल सकते हैं जो कि उसको गलने के लिए हेल्प करती है, और खट्टा मीठा नींबू का अचार बहुत ही मस्त लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैंने कुछ सीड्स मंगाए थे, और मैंने अभी मुझे कुछ दिनों से मैं अपने डाइट में कहाँ जो भी चीज़ें शामिल करती हूँ उनके बारे में पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे पता चला कि सीड्स को अपने डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और अलसी के सीड्स जिनको हम कहते हैं चिया सीड्स, ये सारे मैंने मंगाए हैं, छोटी छोटी क्वान्टिटी में ही मंगाए हैं। और यहाँ पर जो भी ग्रोसरी हमने ख़रीदी थी वो सारी की सारी हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो लाल मिर्चें मैंने मंगाई हैं बहुत ही अच्छी हैं, और मैंने एक अपने चैनल पर शेज़वान पास्ता सॉस की रेसिपी डाली थी जिसमें मैंने इन चिलीज़ का यूज़ किया था। यहाँ पर ये कुकीज़ का डिब्बा, मेरे हस्बैंड जब अब्रॉड गए थे तो वो हमारे लिए इसमें डैनिश कुकीज़ लेके आए थे, और इसमें ये छोटे छोटे क्ले के डिब्बे थे, और इनको यूज़ करके मैंने इसको खड़े मसालों को रखने वाली मसालादानी बनाई है। और इस तरीके से इसमें बहुत सारे खड़े मसाले जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, लौंग, काली मिर्च, स्टार अनीस, दालचीनी, जायफल, जावित्री, ये सारी चीज़ें एक जगह पर हमें मिल जाती हैं। सौंफ हो गया, तो यहाँ पर हम रीफिलिंग कर रहे हैं, और इस तरीके से हमारे खड़े मसालों का ये डिब्बा तैयार हो जाता है, और बहुत आसानी हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें करने से किचन में काफ़ी वक्त बचता है, और फाइनली किचन में हमने सारी ग्रॉसरी अरेंज कर दी है, क्लीनिंग कर दी है, और इस तरीके से ये फाइनली हमारा जो किचन है वो इस तरीके से निकल के आया है। सारी की सारी चीज़ें वेल क्लीन और अरेंज्ड हैं। यहाँ पर ये दो स्टेकेबल बॉक्स हैं, फोल्ड जाते हैं बिल्कुल, और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे, बहुत यूज़फुल हैं। और कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलूंगी ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।